एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं हम कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया है और इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए 34 ईयर्स लगे जिसमें ये एजुकेशन प्रणाली जो हमारी चलती आ रही है उसको चेंज होने में। जो पहले प्रणाली चलती थी वो 10+2 पैटर्न पे चलती थी, लेकिन आज के लिए चेंज हो गई है। और देखिए एक सिविल इंजीनियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सिविल गुरुजी कंप्लीटली आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आ रहा था, और कंप्लीटली हम सभी यूनिवर्सिटीज में जाकर, सभी कॉलेज में जाकर, यहां तक कि एचआरडी मिनिस्ट्री को बार बार मेल कर रहे थे कि एजुकेशन पैटर्न में प्रैक्टिकल स्किल्स को जोड़ा। आज उसी का नतीजा है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। और यहां तक कि मैं जो आप लोगों को यहां पर इस चीज को रिलेट करने लेकर आया हूं, एक सिविल इंजीनियर जो होता है उसकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को यहां पर मैं रिलेट करूं। आइए दोस्तों अब समझते हैं डिटेल में कि किस तरह के चेंजेस एजुकेशन प्रणाली में हुए हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर एक ग्राफिक्स लेके आया हूं, उस ग्राफिक्स में आप लोग इजीली समझेंगे कि किस तरह के चेंजेस एक एजुकेशन पैटर्न में हुए। देखिए आफ्टर 34 ईयर 34 साल बाद ये चेंज हुआ है। हाँ ये ह्यूज टाइम है बिल्कुल ये, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि आप लोगों के साथ भी कि फोन जो होते थे लैंडलाइन फोन आते थे बहुत साल पहले, फिर उसका अपग्रेडेशन हुआ, मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन इतने सस्ते हो गए कि हर किसी के पास आज मोबाइल फोन है। यहां तक कि पहले 2G सिम आते थे, फिर 3G 4G, आज 5G तक हम पहुंच चुके हैं, दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। लेकिन एजुकेशन पैटर्न में कभी अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं, हम एजुकेशन पैटर्न में वही चीज पढ़ते आए जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोप दिया। एक्चुअल में हमारा एजुकेशन पैटर्न ऐसा खराब नहीं था कभी भी, हमें ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिसमें हम शास्त्र सीखते थे, तलवारबाजी सीखते थे, अगर मैं बात करूं एंशियंट टाइम की। लेकिन अब जो हमारे साथ एजुकेशन पैटर्न होता है वो एक ही चीज पे काम करता है कि रटकर पास होना है, ये एजुकेशन पैटर्न हमारा था अभी तक। तो अब एजुकेशन पैटर्न को क्या कर दिया है कि 10+2 पैटर्न को अब गायब करके अब 5-3-3+4 पैटर्न में ला दिया गया है। यदि मैं इस चीज को आपको रिलेट करूं एक कंस्ट्रक्शन फील्ड से, स्पेशली इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो फाउंडेशन स्टेज, पहली स्टेज जो आप लोग देख रहे हैं ये फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें प्री प्राइमरी 1 और 2 मतलब सेकेंड क्लास तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर डिजाइन किया गया है। इनको कुछ इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे कि स्टडी कराएं गेम्स के साथ, नई नई फिजिकल एक्टिविटीज के साथ जो कि बच्चे चाहते हैं। ये चीज के हिसाब से यहां पर क्या होगा, माइंड जो होगा हमारा ब्रेन शार्प होगा, ब्रेन को जितना हम शार्प कर सकते हैं इस स्टेज में, क्योंकि यदि बिल्डिंग का भी फाउंडेशन पार्ट यदि अच्छा नहीं है तो बिल्डिंग हमारी कोलैप्स हो सकती है। सेम हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो 6 साल से बिलो होते हैं, उनको एकदम डीपली उनका ब्रेन शार्प कर दिया जाए इतना अच्छे से कि उनको रटने वाली प्रणाली से एक प्रैक्टिकल बेस्ड एनवायरनमेंट दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं सबस्ट्रक्चर स्टेज। यदि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेट करें, सबस्ट्रक्चर पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहीं पर हम अपनी नींव रखते हैं। तो 3, 4 और 5 क्लास तक, 3rd, 4th और 5th क्लास तक यहां पर रखा गया है, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ पर काम किया जाएगा कि इसमें हम मैथ्स अच्छा कर सकें, साइंस अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट्स का, ह्यूमैनिटीज अच्छा कर सके यहां पर, तो इन पर बेसिकली ध्यान दिया जाएगा। देन इसके बाद है सुपर स्ट्रक्चर स्टेज, जिसमें 6, 7, 8 क्लास को कैटेगराइज किया गया है। देखिए इसमें स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा। देखिए एक चीज समझिए, जो सिविल गुरुजी कर रहा है काम, सिविल गुरुजी क्या कर रहा है, इंजीनियर्स की प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर रहा है। सेम एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करेंगी कि 6, 7, 8 क्लास में ही स्टूडेंट्स की स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, जैसे कंप्यूटर कोडिंग हो गया इनको सिखाया जाएगा, ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलप हो गए। और ये एक्चुअल में चाइना में तो बहुत पहले से ये सब चीजें चल रही हैं, और भी जो डेवलप कंट्रीज है उनमें बहुत पहले से ये सब चीजें ला दिया गया है, लेकिन इंडिया में थोड़ा देर से आया, लेकिन बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं इस चीज का कि ऐसा एजुकेशन पैटर्न अब हमारा होने वाला है जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स बेस्ड की बात होगी। इसके बाद आता है फिनिशिंग स्टेज। देखिए बिल्डिंग खूबसूरत तभी लगती है जब बिल्डिंग में फिनिशिंग कर दें, हम उसमें प्लास्टर कर दें, उसमें पेंटिंग कर दें। सेम स्टूडेंट अच्छा तब लगेगा जब हम उसको शार्प कर दें, उसको फिनिश स्टेज तक पहुंचा दें। जिस फिनिश स्टेज की हम बात कर रहे हैं उसमें कैटेगराइज करा गया है क्लास 9th, 10th, 11th और 12th को, जिसमें एनालिटिकल अप्रोच के साथ गोल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट। देखिए सिविल गुरुजी भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें बताया गया था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन अभी तक हमारा एजुकेशन पैटर्न क्या कहता था, सब एक जैसा होता है, सबको एक ही चीज पढ़नी है, लेकिन अब स्टूडेंट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। जैसा कि सिविल गुरुजी ने एक लास्ट वीडियो लेकर आए थे जिसमें 4 क्वाड्रेंट, और यहां तक कि सिविल गुरुजी एप्लीकेशन पे एक कोर्स भी लॉन्च किया था आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट था, आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते थे, आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं, आप किस नेचर के व्यक्ति हैं, वो कंप्लीटली डिटेल में सिविल गुरुजी कोर्स में अवेलेबल है। यहां तक कि फिनिशिंग स्टेज जो गवर्नमेंट ने लाए हैं 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए, इसमें यही है कि सभी एक जैसे नहीं होते, सबके पास एक स्किल्स होती है, उस
स्किल्स पर यदि हम ग्रो अप कर दें या पुशअप कर दें तो वो यहां पर एक अच्छा बेहतर रिजल्ट हमें देके जाएगा। तो स्किल्स पे काम होगा। इसके बाद डिटेल में समझते हैं। देखिए एक पॉलिसी जो हमारी जो पॉलिसी आई है जो 10+2 स्ट्रक्चर को हमने यहां से खत्म करके 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में ला दिए हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए, 18 साल तक का ये क्राइटेरिया था, लेकिन पहले का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, जिसमें जो नीचे का पार्ट है फाउंडेशन पार्ट, इसको देखा ही नहीं जाता था पहले से। जो स्टूडेंट्स की हम बात करते थे 6 से 16 साल के बच्चे होते थे, उनको फर्स्ट से लेकर 10 तक की हम बात करते थे। यहाँ पे 2 जो है ये 16-18 जो कि 11-12 की हम बात करते थे, केवल इन्हीं स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता था। और पढ़ाया क्या जाता था, कंप्लीटली रट्टाफिकेशन नॉलेज यहाँ पर दी जाती थी कि रट के पास हो, टीचर ने जो बताया वही चीज आपको लिखनी है। यहाँ तक हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, मेरे साथ भी हुआ है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में मार्क्स तब मिलते थे मुझे जब एकदम डिटेल में आप लोग लिखकर आते थे आंसर, जो टीचर ने पढ़ा है वही आपको लिखना है, तब आपको मार्क्स मिलते थे। यदि दोस्तों आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखेगा, जब ही मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों के साथ भी एजुकेशन पैटर्न में कुछ ऐसा ही हुआ था। अब देखिए न्यू एजुकेशन पैटर्न आया, सर्कुलर आया है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें क्या ध्यान दिया गया, सबसे पहले उस फाउंडेशन पार्ट को रिलेट किया, देन 3-5 ईयर सब स्ट्रक्चर पार्ट, देन सुपर स्ट्रक्चर पार्ट जिसमें 6-8 क्लास तक का दिया गया नॉर्म्स, और 9-12 के क्लास के लिए 4th नॉर्म्स यहां पर दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर समझिए कि क्या क्या डिफरेंस हुए जो एग्जिस्टिंग हमारा एजुकेशन पैटर्न है और हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिकमेंडेशन हुआ है 2020 में एक कानून बनाने के लिए यहां पर तय हुआ है, तो उसमें क्या चेंजेस हुए। देखिए सबसे पहले जो चेंज है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो जानकर, और बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूं मैं ये सब देखकर, इतने ज्यादा चेंजेस कि हमारे टाइम पर ये चेंजेस नहीं थे, लेकिन कोई इशू नहीं है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया के एजुकेशन पैटर्न है, ये अच्छा हो रहा है तो हमारे लिए ही बहुत अच्छी चीज हुई है ये। तो आफ्टर 6th यू कैन लर्न कोडिंग मेकिंग एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट, मतलब 6th क्लास में पहुंचने के बाद स्टूडेंट को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है अभी एग्जिस्टिंग पीरियड में, लेकिन अब NEP के तहत अब नई कोडिंग्स वगैरह सिखाई जाएगी जो कि बहुत जरूरी है, जो कि बीटेक के इंजीनियर्स भी नहीं जानते हैं, करना इसको डिटेल में, लेकिन अब 6 से ही उस चीज पर ध्यान दिया जाएगा। पहले से यदि रूट स्ट्रांग कर दोगे तो जो पेड़ होगा वो मजबूत निकलेगा, इसलिए आप लोगों को 6 क्लास से ही कोडिंग और एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर यहां पर डिटेल में सिखाया जाएगा। आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं स्कूल की साइड से, जो इंटर्नशिप बीटेक के स्टूडेंट्स करते हैं AICTE की नॉर्म्स के में जो लिखा हुआ है वही अब 6 क्लास से। यदि आपको पेंटिंग सीखनी है, कोई स्टूडेंट है उसको स्किल्स है पेंटिंग के लिए, वो पेंटिंग भी जाकर एक इंटर्नशिप कर सकता है, पेंटिंग जो सिखाते हैं उसके नियर बाय लोकेशन में वहां जाकर सीख सकता है। किसी को कोडिंग सीखनी है तो किसी कंपनी में जाकर वो कोडिंग सीख सकते हैं। एवरी चाइल्ड विल कम आउट स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। अब जो 12th से स्टूडेंट 12th के बाद जो बाहर आएगा स्टूडेंट स्कूल लाइफ से अपने, वो एक ना एक स्किल्स अपने साथ लेकर आएगा। आपके साथ यहां पे एग्जाम्स हेल्ड इन सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट गेट द रिजल्ट बाय एडिंग बोथ द सेमेस्टर मार्क्स इन ईयर। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अब, और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा विद प्रैक्टिकल स्किल्स। देखिए अब एग्जाम जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, हर 6-6 महीने में एग्जाम हुआ करेंगे। 6 महीने के एग्जाम के बाद दूसरे 6 महीने के एग्जाम के बाद एक कंबाइंड ईयर बनके एक कंबाइंड रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को दोनों के मार्क्स एड करने के बाद। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जाम होंगे जिसमें आप ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जाम फिर से बता रहा हूं आपको रट्टाफिकेशन नहीं होगा, इसमें नॉलेज चेक की जाएगी कि किस हिसाब से आपके पास नॉलेज है। नाउ रट्टाफिकेशन क्वेश्चन आर नो मोर, जैसा कि मैंने बताया। इस चीज के लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूं मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, रट्टाफिकेशन नॉलेज को बंद किया गया है यहां पर। देयर इज नो डिजिट सेपरेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम, कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे साइंस पसंद है, मुझे साइंस लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन साथ में मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है तो अब मैं वो भी कर सकता हूं। मुझे कॉमर्स लिया लेकिन मुझे फिजिक्स पढ़ना था तो फिजिक्स भी मैं पढ़ सकता हूं। तो ये बहुत अच्छा गैप जो था अभी तक एक एजुकेशन पैटर्न में वो यहां से खत्म कर दिया। जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है आप क्राइटेरिया में जाइए और वो पढ़ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कैन लर्न देयर लोकल लैंग्वेज बाय ई कोर्स। देखिए ई कोर्स जैसा कि सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए चला रहा है कंप्लीटली ई कोर्स सिविल गुरुजी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे, सेम लोकल लैंग्वेज सीख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा ऊपर आने वाला है कि आप अपने फोन में बैठकर अपने लैपटॉप में बैठकर किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज हुई है, देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन। मान लीजिए आप 12th पास किए और आपको जो है बीटेक करनी है, और बीटेक करने के लिए और बीटेक करनी है आपको महाराष्ट्र से, लेकिन आप रहते हैं बिहार में, तो आपको क्या करना होता था, महाराष्ट्र के लिए अलग एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन आपको बिहार में भी एग्जाम देना, बिहार का भी कॉलेज चाहिए तो बिहार का एग्जाम अलग देंगे, यूपी में कॉलेज के लिए अलग एग्जाम देंगे। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल ओवर इंडिया, एक एग्जाम दीजिए, आपके रैंक के आधार पर डिसाइड होगा आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इन 9-12, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि एक 9-12 में आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हैं चॉइस करने के लिए सब्जेक्ट्स को, साथ में मेजर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। अब जो मैं बात बताने वाला हूं आपको, ये हायर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स आए न्यू, देखिए
अभी तक क्या होता था, आपने फॉर एग्जांपल किसी कारणवश, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जब मैं बीटेक कर रहा था, तो काफी इंजीनियर्स ऐसे थे मेरे साथ जो अपनी बीटेक कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ड्यू टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है यहां पर। तो अब क्या गया, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट रख दिए यहां पर। अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई ऐसा इंजीनियर जो सेकंड ईयर में पहुंचा बीटेक के या किसी भी ग्रेजुएशन प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या होता था, सेकंड ईयर के बाद अगर उसने ड्रॉप आउट कर लिया तो अब वो दोबारा यदि करेगा आकर तो फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा। अब उस चीज को यहां पर फ्लेक्सिबल कर दिया है कि यदि आपने सेकंड ईयर में पास आउट किया है तो आपको सेकंड ईयर तक के लिए क्या अप्रोच है, कि यदि आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ा तो सर्टिफिकेट और सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा मिलेगा आपको सेकंड ईयर में। यदि आप सेकंड ईयर में बीटेक छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा जरूर मिलेगा, यदि आप थर्ड ईयर में छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री जरूर मिलेगी, और यदि आप फोर्थ ईयर कंप्लीट कर देते हैं तो बैचलर डिग्री के साथ आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। साथ के साथ एक चीज और यहां पर आया है रिफॉर्म, बहुत जबरदस्त रिफॉर्म है ये, एकेडमिक क्रेडिट बैंक। देखिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक मतलब कि एक ऐसा बैंक ला दिया आप लोगों के लिए कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट कर दिया, तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स उस एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जाकर क्या होगा, सेव हो गए आपके। देन आप कुछ टाइम बाद 6 महीने बाद आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो थोड़ा सुधरा, आपका हेल्थ इश्यू था वो आपका शॉर्ट आउट हुआ, तो क्या होगा, आप दोबारा आकर क्या करेंगे, सेकंड ईयर में बैठेंगे और आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स वहां से निकालकर बाहर ला सकते हैं सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां तक कि फीस वगैरह के लिए भी सभी कॉलेज सभी स्कूल के लिए एक नॉर्म्स लाया जाएगा जिसमें सभी कॉलेज स्कूल एक निर्धारित फीस पर काम करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी नीति एक गवर्नमेंट की तरफ से आई है, जिसको अब एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री करने का बहुत ही अच्छा कदम यहां पे उठाया। ये कानून का बिल जो है संसद में पास होगा, और देन आफ्टर मैं अगर बात करूं तो 21-22 का जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें ये चीजें यहां पर नॉर्म्स में लाई जाएंगी। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए, आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।